आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। NIA ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 5 राज्यों में 50 जगहों पर छापा मारा है। इन 5 राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। बता दें कि NIA की ये कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के चलते की जा रही है। दरअसल NIA सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर्स और खालिस्तानी विदेशों में बैठकर भारत में ग्राउंड वर्कर्स को हवाला चैनल के माध्यम से हथियार और ड्रग्स के लिए फंडिंग कर रहे हैं। अब इसी फंडिंग चेन को खत्म करने के उद्देश्य से NIA द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि NIA द्वारा ये कार्रवाई ऐसे समय पर की जा रही है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कैनेडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। जातीय हिंसा के संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में एक बार फिर इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य में कल मंगलवार को सुरक्षा बल और छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छात्रों का जुलाई में लापता हुए छात्र छात्राओं की हत्या की तस्वीरें सामने आने के बाद ये गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को राज्य में इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई थी, जिसके बाद 2 छात्रों की बर्बरता से की गई हत्या की तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें कल 26 सितंबर मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में देखा गया है कि एक युवक का सिर कटा हुआ है जो कि जमीन पर पड़ा है। वहीं इस तस्वीर में एक लड़की भी है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। दोनों छात्र मैतई समुदाय के हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद छात्रों ने हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया, जिसमें 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। वहीं अब राज्य में चल रहे इस तनाव को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही सभी स्कूलों को 27 से 29 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर में बीते 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाले जाने के दौरान 2 जातीय समूहों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक कम से कम 175 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन स्थिति अभी तक काबू में आती नहीं दिख रही। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। अब ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कल मंगलवार 26 सितंबर को जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी 1 और 3 अक्टूबर को महबूबनगर और निजामाबाद में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। वह प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों को लेकर राज्य के सत्तारूढ़ BRS ने बीजेपी पर निशाना साधा है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रमा राव ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना के गठन को लेकर जो अपमानजनक बातें कही हैं, उससे यहां के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उन्हें अपनी इन टिप्पणियों के लिए और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। KTR ने आगे दावा किया कि तेलंगाना के गठन पर पीएम मोदी ने संसद में कई बार कहा कि कांग्रेस ने बच्चे को जन्म देने के लिए माँ यानी आंध्र प्रदेश को मार डाला। BRS नेता ने कहा कि ये कहना कि माँ को मारकर बच्चे को बाहर निकाला गया उनके ज्ञान और बुद्धि की कमी को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को उनका और उनके बलिदानों का अपमान करने के लिए लोगों के अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी सांसद मेनका गांधी, जो कि एक पशु अधिकार कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ISKCON पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया। बता दें कि उनके इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ISKCON अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। मेनका गांधी कहती हैं कि भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज ISKCON है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फायदे मिलते हैं, उन्हें बड़ी जमीनें मिलती हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने अभी उनके अनंतपुर गौशाला का दौरा किया, वहाँ एक भी सूखी गाय मौजूद नहीं है, सभी डेयरी हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि सभी को बेचा गया है, ISKCON अपनी सभी गायें कसाईयों को बेच रहा है। मेनका गांधी ने आगे कहा कि उनका कहना है कि उनका जीवन पूरी तरह से दूध पर निर्भर है, लेकिन शायद ही किसी ने इतनी ज्यादा गायें कसाईयों को बेची हो जितनी इन्होंने बेची हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर अन्य लोगों के बारे में सोचिए। मैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद ISKCON की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने बीजेपी सांसद के इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। ISKCON के प्रवक्ता युधिष्ठर गोविंदा दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ISKCON ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। हमारे यहाँ गायों और बैलों की जीवन पर्यंत सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है, जैसा कि आरोपों में कहा गया है।
न्यूयॉर्क में काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में कल मंगलवार को बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत अपनी तय नीतियों के तहत इस तरह की चीज़ों में कभी भी शामिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे अपराध देखे हैं। वे सभी बहुत बहुत गहराई से मिले हुए हैं। तो वास्तव में हम स्पेसिफिक्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें संगठित अपराध और नेतृत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है जो कनाडा से संचालित होती है। बड़ी संख्या में प्रत्यर्पण अनुरोध है। कुछ आतंकवादी नेता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। हमारी चिंता ये है कि राजनीतिक कारणों से कनाडा वास्तव में बहुत उदार रहा है, इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया। इनमें से बहुत कुछ को अक्सर उचित ठहराया जाता है। यह कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। जयशंकर ने आगे कहा कि यदि कोई मुझे कुछ स्पेसिफिक्स देता है तो जरूरी नहीं कि वह कनाडा तक सीमित हो, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो एक मुद्दा है और कोई सरकार के रूप में मुझे कुछ विशिष्ट जानकारी देता है तो मैं उस पर गौर करूंगा। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई है। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि घरेलू खुफिया एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। वहीं भारत की ओर से इन आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया गया और तभी से भारत और कनाडा के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज मंगलवार 27 सितंबर को चौथा दिन है और चौथे दिन की शुरुआत भारत ने सिल्वर मेडल की जीत के साथ की। इतना ही नहीं, इसके बाद एक गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। बता दें कि मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की जोड़ी ने शूटिंग के 25 मीटर पिस्टल महिला टीम कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं 50 मीटर राइफल टीम पोजीशन टीम कंपटीशन में सिफ्त समरा, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक ने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। इसी के साथ भारत ने अब तक कुल 16 मेडल जीत लिए हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।